वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि 12.45 पे यहाँ पे आप क्लोजिंग दी थी। यस बैंक लिमिटेड स्टॉक ने तकरीबन 0.80% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखने वाले कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो इन सबसे डाटा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि आरओई वैसे एफडी रेट देखी जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं देता है। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक के एसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रमोट होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रोसीजर भी देखिए जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स में भी देख सकते हो पुअर परफॉर्मेंस है और ग्रोथ स्कोर की भी बात की जाए तो ग्रोथ स्कोर में यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पे मिड कैप मार्केट कैप देख सकते हो, मिड कैप का है यहाँ पे 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का है स्टॉक है। पी रेशियो देख सकते हो 29.32 का है। नेट इनकम जो है 1,064 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू है 22,000 करोड़ के ऊपर और टोटल एसेट्स है 2,73,000 करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एनालिस्ट ने राय दी है उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिए स्टॉक में। और यहाँ पे प्राइस फोरकास्ट की बात की तो प्राइस फोरकास्ट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। ईपीएस बढ़ सकता है और रेवेन्यू भी आने वाले साल में बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे आप देख सकते हैं पर इस साल में पिछले 2 सालों में लॉस दिखाया था पर इस साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा रिकवर किया है। रेवेन्यू में गिरावट दिखाई दिया है पर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया क्योंकि पिछले 2 सालों में लॉस होता हुआ आ रहा था। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए।